नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वर्चुअली पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का इनॉग्रेशन किया। केंद्रीय एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया एयरपोर्ट पर मौजूद थे। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधन किया। इस दौरान पीएम ने विपक्ष की मीटिंग को कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन बताया। साथ ही परिवारवाद पर हमला बोलते हुए कहा, इनके लिए परिवार पहले, देश बाद में। न खाता न बही, जो परिवार कहे वही सही। बेंगलुरु में हो रही 26 विपक्षी दलों की बैठक को लेकर पीएम ने कहा, उनकी दुकान में भ्रष्टाचार की गारंटी है। इसमें जेल जाने वालों को खास न्योता भेजा गया है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम ने कुछ लाइनें भी पढ़ी। पीएम ने कहा, ये लोग देश के लोकतंत्र और संविधान को अपना बंधक बनाना चाहते हैं। इनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टिकरण है, मन काले हैं, परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, आज देश की जनता ने तय कर लिया है कि हम 2024 में वापस लाना है। इसलिए जो लोग भारत की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है, उन्होंने अपनी दुकानें खोल ली हैं। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर यह बड़ा फिट बैठता है। ये गाना तो कोई और गा रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और है। लेबल किसी और चीज़ का लगा है, लेकिन प्रोडक्ट किसी और का है। इनकी दुकानों पर जातिवाद का जहर और ज़बरदस्त भ्रष्टाचार की गारंटी है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी पे। धन्यवाद।